हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रजनी नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है। इस बात से अनजान रजनी कि उसकी सास सरिता एक जुआ खेलने वाली औरत है, वो सुबह सुबह तैयार होकर अपनी सास के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है, जहां वो अपनी सास को अपने पति समीर के साथ बैठकर जुआ खेलते हुए देख लेती है, जिसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और अंदर आकर गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी ये सब क्या है, आप और जुआ, आप जुआ खेलती हैं? बहू आवाज नीचे, हमारे घर की बहू बेटियां तेज आवाज में नहीं बोलती हैं। तुम नई हो इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, आगे से इस बात को मैं नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करूँगी। माँ जी मुझ पे गुस्सा करने से पहले आप अपने आप को देखिए, जिस उम्र में आपको ध्यान पूजा पाठ में लगाना चाहिए, भजन सत्संग में लगाना चाहिए, उस उम्र में आप अपने ही बेटे के साथ बैठी हुई जुआ खेल रही हैं। रजनी ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, चुप हो जाओ तुम, हम कमरे में चलकर बात करते हैं। आप तो कुछ बोलिए ही मत, समझे, मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल एक जुआरियों का अड्डा है, जहाँ मेरा पति मेरी सास सब जुआ खेलते हैं, तो मैं कभी ऐसे जुआरी खानदान में शादी ही नहीं करती। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, जो तुम मन में आ रहा है वो बोलती जा रही हो, कम से कम बोलने से पहले, गुस्सा करने से पहले सामने वाले की बात तो सुन लो कि वो कहना क्या चाहता है। कोई जरूरत नहीं है बेटे इसे समझाने की, जरा इस लड़की की जुबान तो देखो, अभी 2 दिन नहीं हुए इस घर में आई हुए और हम पर हुक्म चला रही है। मुझे भी अगर पहले पता होता कि तेरी जुबान कैची की तरह ज्यादा चलती है तो मैं भी कभी तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाती। चुप हो जाइए आप लोग, और रजनी तुम जैसे समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। आप तो मुझसे बात ही मत करिए, खेलिए आराम से आप अपनी माँ के साथ बैठकर जुआ, मैं नहीं आऊँगी आप लोगों को परेशान करने के लिए। रजनी इतना कहकर गुस्से में चाय को टेबल पर रख वहाँ से चली जाती है। उस समय बाद समीर अपने कमरे में जाता है और रजनी को बेड पर बैठी हुई रोते हुए देखकर उसके पास जाकर बैठता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, देखो मुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने देखा तुमको उसका बुरा लगा, लेकिन जो तुमने देखा वो पूरी तरह सच नहीं था, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। अभी भी कुछ देखने और समझने के लिए बाकी है क्या, आपको शादी से पहले ही पता है कि मुझे जुआ के नाम से कितनी नफरत है, उसके बाद भी आप माँ जी के साथ बैठे हुए जुआ खेल रहे थे, और माँ जी जुआ खेलती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी सास जुआ खेलने वाली सास से, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई है। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे पता था कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे घर वाले जुआ खेलते हैं तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। लोग क्या करते हैं मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके साथ मुझे लाइफ टाइम रहना है वही इंसान मेरी नापसंद वाली चीज कर रहा है। मुझे दुख इस बात का है, माँ जी के जुआ खेलने का पता चलने से ज्यादा दुख मुझे आपके जुआ खेलने से हुआ है। बहुत अच्छा स्वागत किया है आप लोगों ने अपने घर में अपनी नई बहू का। मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा था, जुआ नहीं खेल रहा था यार मैं, बल्कि आज मेरे ऑफिस का ऑफ था तो मैंने सोचा कि एक बाहर घूमने जाते हैं, इसलिए माँ से पूछने के लिए गया था, तो देखा वो कार्ड्स खेल रही है तो उनसे मैं कार्ड छीनने लगा, तब तक तुम आ गई और तुमने हर चीज का गलत मतलब निकाल दिया। हाँ माँ खेलती हैं ये बात तो सच है, लेकिन माँ जी को ये जुआ खेलने वाली आदत कैसे लगी, आप जानते हैं ना ये आदत अच्छी नहीं है, इसकी लत बहुत बुरी है, एक बार लग जाए तो छूटती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि जुआ खेलने की आदत माँ की छूट जाए, लेकिन माँ है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पिताजी के डेथ के बाद माँ अकेली हो गई थी, अब पड़ोस की औरतों के साथ बैठना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो लोग खेलती थी तो धीरे धीरे माँ को भी आदत लग गई। कहते हैं ना संगत का असर होता है। कोई बात नहीं आप चिंता मत करिए, मैं माँ जी की जुआ खेलने वाली आदत को छुड़वाने की पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं है। मेरी तो माँ ने आज तक नहीं सुनी, शायद तुम्हारी कोशिश काम आ जाए, माँ की ये जुआ खेलने की आदत छूट जाए, लेकिन अब अगर तुम्हारा मूड ठीक हो गया है तो जाके मेरे लिए कुछ खाने को ले आओगे, बहुत जोर की भूख लगी है, तब तक मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। समीर इतना कहकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है, जिसके बाद रजनी भी किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रजनी अपनी सास सरिता की जुआ खेलने वाली आदत को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। एक रोज सरिता अपने जुए के कार्ड के पत्तों को टेबल पर रख कर अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही होती है, तभी रजनी की सहेली कीर्ति वहाँ आती है और टेबल पर ताश के पत्तों को देखकर सरिता से कहती है, आंटी जी आपके यहाँ ये जुआ कौन खेलता है।
आप इन ताश के पत्तों को लेकर क्यों बैठी हुई हैं? कौन खेलता है का क्या मतलब है? मैं खेलती हूँ अपनी सहेलियों के साथ। वो लोग मुझसे कभी नहीं जीतती हैं, हमेशा हार जाती हैं और कंगाल होकर जाती हैं। हर दांव में मैं ही जीतती हूँ, इसीलिए कोई जल्दी मेरे साथ खेलता नहीं है, क्योंकि जो भी खेलता है वो बुरी तरह से हार जाता है। क्या बात है आंटी जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड के साथ इतनी बड़ी जुएबाज है। वैसे मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा खेलना आता है। बस आप जिसे जुआ कहकर खेलती हो, मैं उसे किटी पार्टी में खेलती हूँ। अगर ऐसी बात है तो चलो खेलते हैं एक एक दाव, लेकिन दाव मोटा होना चाहिए, कम से कम 20,000, तभी तो जीतने की चाहत और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, बांटिए पत्ते आंटी जी, मैं भी तो देखूं आप कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। कीर्ति के कहने पर सरिता ताश के पत्तों को दोनों में बांट देती है और दोनों 20,000 का दाव रखकर खेलना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय में सरिता 20,000 का दाव जीत जाती है, जिसे देखते ही कीर्ति के होश उड़ जाते हैं और उसे भी बाकियों की तरह कंगाल होना पड़ता है। कीर्ति अपने पर्स से पैसे निकालकर सरिता को दे ही रही होती है कि तभी रजनी वहां आती है और उसके पूछने पर कीर्ति उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर रजनी गुस्से में कहती है, तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, यहाँ मैं अपनी सास के जुआ खेलने वाली आदत को छुड़वाने में लगी हुई हूँ और तू है कि इनके साथ बैठकर जुआ खेल रही है। अपने पैसे अपने बैग में रख और निकल मेरे घर से। बस पैसे तो देने दे बहू, वो पैसे मैंने जुए में जीते हैं। अभी मेरी सहेलियां आती होंगी, उनके साथ जुआ खेलना है ना, तो पैसे की जरूरत लगेगी। आपको तो मैं बाद में देखती हूँ माँ जी, तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है, जाना यहाँ से। रजनी के कहने पर कीर्ति वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रजनी अपनी सास को समझाती है, लेकिन सरिता पर अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक रोज शाम के समय सरिता हॉल में बैठी अपनी पड़ोसन कावेरी और अपनी कुछ सहेलियों के साथ जुआ खेल रही होती है। तभी उसकी बहू रजनी मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है और अपनी सास को सबके साथ जुआ खेलते हुए देखकर वो उनके पास आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं थक गई हूँ आपको समझाते समझाते कि ये जुआ खेलने की लत बहुत बुरी है, और ये बात मैं सिर्फ अपनी सास को ही नहीं आप लोगों को भी कह रही हूँ। आप लोगों को अपना समय काटने के लिए कोई अच्छी चीजें नहीं मिलती क्या करने के लिए? बहू, जो मजा जुआ खेलने में है वो किसी और चीज में नहीं, इसमें घर बैठे बैठे इतने सारे पैसे कमा लेते हैं। एक बात बताइए आंटी जी, आज है आपके पास पैसे तो आप दाव लगा रही हैं, कल को नहीं रहे तो आप क्या करेंगी? चोरी करेंगी, अपने जेवर रखेंगी, और अगर यही चीजें आदमी करे तो वो गलत कर रहा है और आप लोग सही कर रही हैं। घर की लक्ष्मी होकर शाम को दिया बत्ती के टाइम पर आप लोग दूसरों के घर में लक्ष्मी का दाव लगाकर जुआ खेल रही हैं। आप लोग सही हैं, तब तो आप लोगों को देखकर मुझे भी यही करना चाहिए। रजनी की बात सुनकर सबकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। किसी के पास रजनी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सरिता के साथ साथ सभी औरतें रजनी से अपनी गलती की माफी मांगती हैं, साथ ही दोबारा फिर कभी जुआ ना खेलने का वादा भी करती हैं। छाया और माया दोनों जुड़वा बहनें थे, कोई दोनों को देख ले तो ये बताना मुश्किल हो जाता था कि कौन सी माया है तो कौन सी छाया है। एक दिन माया सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी वहाँ अपने कमरे से छाया सर पर खुजली करते हुए आती है, और छाया को ऐसे खुजली करते देखकर माया कहती है, आय हाय तू तो मुझसे दूर ही रह, पता नहीं कहाँ से इतने जानवर पाल रखे हैं। मेरे सर में गर्मी और पसीने की वजह से इतनी खुजली हो रही है, कोई जानवर नहीं है मेरे सर में। अरे तो जाना, इतनी ही गर्मी हो रही है तो नहा ले, यहाँ क्यों आई है? हाँ हाँ जा रही हूँ नहाने, पहले थोड़ा टीवी तो देख लूँ, वैसे भी थोड़ी देर टीवी देखने से क्या मेरे सर में सच में जानवर आ जाएंगे? तुझसे तो बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और हाँ, नहाने के बाद तू अपने बालों में कंघी मार लियो, मेरी कंघी से नहीं अपनी ही कंघी से। ठीक है अब तू जाना, मुझे आराम से टीवी देखने दे। इतना बोलकर माया वहाँ से चली जाती है। माया खुद की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, और वहीं छाया चार चार दिन हो जाते थे, लेकिन साफ करना तो दूर, वो खुद को नहलाना तक जरूरी नहीं समझती थी। छाया के सर में साफ सफाई ना रखने की वजह से बहुत सारी जुएं पड़ी थी, लेकिन जब भी वो सर को खुजाती और
कोई उसे टोक देता तो वो बहाना बनाकर बात को टालती थी। ऐसे ही एक दिन छाया अपनी माँ विनीता के साथ सोफे पर बैठी होती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी, मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आती। लेकिन पहले तो तुझे बड़े मजे से नींद आ जाती थी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ सोने का बहुत मन कर रहा है। क्यों नहीं सो सकती क्या मैं अब आपके साथ? मैं तो बस पूछ ही रही थी, और क्यों नहीं, तू बिल्कुल सो सकती है मेरे साथ मेरे कमरे में। इतना बोलकर छाया विनीता के साथ उसके कमरे में सो जाती है और छाया के सर से जुए विनीता के सर में भी हो जाती है। अगले दिन जब विनीता उठती है तो उसके सर में बहुत खुजाल हो रही होती है और वो गुस्से में छाया से कहती है, अरे ओ नासपीटी, तेरी वजह से मेरे सर पर भूकंप आ रखा है। तेरे सिर में जुए थे तो बताना चाहिए था ना पहले। अब देख तेरे साथ सोने का अंजाम, मेरे सिर पर भी जुओं का भंडार है। माँ मैं तो थोड़ी देर ही सोई थी ना आपके साथ, उसके बाद तो माया आ गई थी, उसके सर की जुए ही आपके सर में आ गई होंगी और आप बिना बात के मुझे ही सुना रही हो। माया को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी जाकर बताती हूँ उसे। तो मैं इतना बोलकर विनीता माया के कमरे में चली जाती है और उसे सुनाने लगती है। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो माया भी कहती है, माँ आप मुझे किस बात के लिए इतना सुना रही हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अच्छा नहीं किया तूने, तुझे तो जुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। देख तेरी वजह से मेरे सिर में कितनी खुजली हो रही है। माँ मुझे तो खुद इतनी नफरत है, मैं इतनी साफ सफाई रखती हूँ तो कैसे हो सकती है जुए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर छाया अपने सर में खुजली करते हुए आती है। देख लो माँ कौन कितनी खुजली कर रहा है, छाया की वजह से आपके सर में जुए हो गई और आप मुझे बोल रही हो। करण जली तेरी वजह से मेरे सिर में इतनी खुजली हो रही है और तू है कि अपनी गलती माया के सर पर मढ़ रही है। इतनी है कहाँ से पाली है तूने? मैंने कहीं से नहीं पाली है और मेरे सर में ऐसे ही खुजली हो रही है, जुओ की वजह से नहीं। आप अपना देखो, पता नहीं कहाँ से आपको इतनी जुए हो गई है। इतना बोलकर छाया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद छाया बाहर जाने के लिए बाल झाड़ने के लिए आती है और कहती है, यहाँ तो मेरी कंघी ही नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैं माया की कंघी से कर लेती हूँ, वैसे भी उसको कहाँ से पता चलना है कुछ। इतना बोलकर छाया माया की कंघी से बाल झाड़कर बाहर चली जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात राजीव नाम के लड़के से होती है। राजीव से मुलाकात के समय भी छाया अपने सर में खुजली ही कर रही थी और छाया को ऐसे सर खुजाता देखकर राजीव कहता है, तुम मुझसे मिलने आई हो या अपने सर में खुजली करने आई हो? जब से आई हो अपने सर में खुजली किया जा रही हो। वो क्या है ना, अभी जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो एक छोटे से बच्चे ने रास्ते में मेरे सर में मिट्टी डाल दी थी, तब से बहुत खुजली हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ तुम अपना सर धो लेना, उसके बाद हम दोनों मिलकर बैठ के बातें कर लेंगे। ठीक है। इतना बोलकर राजीव छाया के साथ उसके घर चला जाता है और छाया उसे सोफे पर बैठाकर अपने बाल धोने चली जाती है और जैसे ही छाया वहाँ से जाती है कि वहाँ तुरंत माया आ जाती है और माया को आते देखकर राजीव बोलता है, अभी तो तुम गई थी और इतनी जल्दी आ भी गई तुम। ओ हेलो, मैं कब गई और कहाँ गई थी मैं? मैं अभी अपने कमरे से आई हूँ और तुम हो कौन, मेरे घर में क्या कर रहे हो? लगता है तुमने खुजली करते करते अपना दिमाग ही खुजला लिया, तभी तो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। पहले तो तुम मेरे घर में खड़े हो और मुझे ही बोल रहे हो कि मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। अभी तो तुम्हारे सर में इतनी खुजली हो रही थी और तुम बाल धोने के लिए गई थी और तुरंत कपड़े बदल के आ गई और अब पता नहीं क्या बोले जा रही हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर छाया आती है। तुम दोनों जुड़वा हो, मैं अभी तुम्हें छाया समझकर माया से बहस कर रहा था। तो पहले तो बता दिया कर घर में कोई आया है। सब बात करने लगते हैं लेकिन छाया बात के साथ साथ अपने सर में खुजली भी करती है। अगले दिन माया बाल धोकर आती है और कंघी से बाल झाड़ लेती है, लेकिन वही कंघी को छाया ने भी इस्तेमाल किया था, इसीलिए अब माया के सर में भी जुए हो जाती है और वो भी जब देखो अपने सर को खुजाने लगती है। अब घर में माँ और दोनों बेटियों के सर में जुए हो गई थी और सब के सब अपने सर खुजाते रहते थे। एक दिन विनीता छाया को कहती है, हाय राम, पता नहीं कहाँ से ये जुए वाली बेटी मिली है मुझे, जो इतने जुए खुद के सिर पर भर लाई और अब हमें भी दे दी। तो अब बताओ ना कैसे साफ होंगी ये जुए।
तू देख लेना अपने यूट्यूब पर, कुछ तो नुस्खा होगा ना, वही करते हैं, क्या पता साफ हो जाए। छाया विनीता की बात सुनकर यूट्यूब देखने लगती है, लेकिन अपने आलस के चलते कुछ भी ट्राई नहीं करती और खुद भी जुओं के साथ रहती है और अपनी माँ बहन को भी जुओं में ही रखती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद विनीता की पड़ोसन भावना आती है और विनीता से बातें कर रही होती है कि वहाँ पर माया अपना सर खुजाने लगती है और ये देखकर भावना कहती है, अरे विनीता, तेरे बेटे के सर में इतनी सारी जुए हैं और तू कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूँ मैं, छाया है ना, उसकी वजह से हम तीनों के सिर में जुए पड़ गई। मेरी तो खुजली कर 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 बुरा हाल हो गया, लेकिन इन जुओं से राहत ही नहीं मिलती है। तू ही बता देना मैं क्या करूं? अरे मेडिकल से मेडिकेयर शैम्पू ले आ, और सर में कपूर और नारियल का तेल लगाने से भी जुए खत्म होती हैं। सच में ना, ऐसा करने से जुए खत्म हो जाएंगी और फिर कभी नहीं होंगी ना। रामबाण इलाज है, एक बार इस्तेमाल तो करके देख, सारी जुए छू मंतर न हो जाए तो कहना। भावना की बात मानकर विनीता और माया दोनों भावना के बताए गए नुस्खे ट्राई करने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों की जुएं खत्म हो जाती है। दोनों की जुएं खत्म होने के बाद दोनों माँ बेटी मिलकर छाया को जबरदस्ती बैठाकर उसके सर से भी जुओं को साफ करने का मिशन चलाती है और थोड़े दिनों बाद उसके सर से भी जुएं खत्म हो जाती है और उसके बाद दोनों जुड़वा बहनें बिना जुओं के आराम से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।